हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे और 8 बजे अपना दो इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं। उम्मीद करता हूं आप इसे रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे। सुबह के 5 बज चुके हैं डॉट और उम्मीद करता हूं यहां पे 50-60 बच्चे आ चुके हैं और जल्दी ही जो है 500 बच्चे आ जाएंगे और हम हमारी तैयारी जो है वो शुरुआत करेंगे। 12 से 15 मिनट का वीडियो, 12 से 15 मिनट के क्वेश्चन, ओके, जल्दी जल्दी देख लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे। उसके बाद में आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिएगा, फिर मिलेंगे वापस 8 बजे वाली क्लास में। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, आज है 10 तारीख, 10th of July, ओके। और निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यभार है जो कि संभाला है? तो यहाँ पे आपको यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। तो कौन बने हैं अभी यहाँ पे? अश्वनी है दोस्तों जो कि बने हैं। तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब है जो कि हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अश्वनी है जो कि यहाँ पे बने हैं और अश्वनी वैष्णव जो है दोस्तों, ये काफी बढ़िया ब्यूरोक्रेट भी माने जाते हैं। फॉर्मर IAS ऑफिसर थे, उड़ीसा कैडर से, इंडियन पॉलिटिशियन रहे, मेंबर है BJP के और ओरिजिनली रेसिडेंट है दोस्तों पाली डिस्ट्रिक्ट के, राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके गाइस, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये अश्वनी है जो कि रेलवे मिनिस्टर है। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप BHU 10 है जो कि आप लगा सकते हैं और इससे आपको 10% ऑफ है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। GK का बैच चल रहा है, सुबह 9 बजे वाली क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पे आप अपना गोल सेलेक्ट करिए। SSC, UPSC, IIT, GATE, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आज का पहला सवाल है अपना, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर निम्नलिखित में से किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा करेंगे, ठीक है। 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा कौन से देश की करने वाले हैं जयशंकर साहब हमारे? ये जॉर्जिया दोस्तों जाने वाले हैं, ओके गाइज। तो आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी आपको मालूम है काफी देशों से जो है वो वहां पे मिलके आए पर्सनली और अभी वहां पे वाइस प्रेसिडेंट फॉरेन मिनिस्टर जो है जॉर्जिया के, उनसे मुलाकात जो कि होने वाली है। फर्स्ट इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की जो है होने वाली है इंडिपेंडेंट जॉर्जिया की, ओके गाइज। चलिए, और इसके अलावा बात करें तो जॉर्जिया के यहाँ पे सलमोन करके प्रेसिडेंट है, तबिलिसी यहाँ पे कैपिटल है और लारी है जो कि यहाँ पे करेंसी है, ठीक है गाइज। आप देख सकते हैं ये जॉर्जिया का पूरा मैप है, ठीक है। पास में रशिया है, उसके नीचे टर्की है, उसके नीचे आर्मेनिया है, अजरबैजान है, इस तरीके से, ठीक है। बाकी सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे इंडिपेंडेंसी जो है 1918 के अंदर जो है डिक्लेयर है जो कि हुआ था। रेड आर्मी ने इन्वेट किया था जॉर्जिया को और सोवियत यूनियन के अंदर वापस से इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डैश से अधिक मूल्य के COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। तो दूसरे चरण को मंजूरी है जो कि यहाँ पे दी गई है, ठीक है गाइज। और कितने का पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया है? कोविड को लेकर इमरजेंसी पैकेज है। आपको मालूम है पैकेज आते रहते हैं हर थोड़े थोड़े टाइम में, आपको याद करने की जरूरत है क्या ये वाला? नहीं है याद करने की जरूरत। तो अगर आप ये क्वेश्चन नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, वैसे पेपर में नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत बार फर्स्ट वेव से पहले पैकेज आया, सेकंड के बाद, फर्स्ट के बाद आया, सेकंड से पहले आया, सेकंड के बाद वापस आ गया, है ना। तो आपको वैसे एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ठीक है, बाकी एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है गाइज। तो इंडिया ने COVID-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम के प्रिपेयरनेस पैकेज का अनाउंसमेंट है जो कि यहाँ पे किया है, ओके। ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, ये सब चीजें यहाँ पे दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामलों में सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए CCI और JFTC के बीच MOU को मंजूरी दी है। CCI का हेडक्वार्टर कहां पर है? CCI के बारे में मैं बात कर रहा हूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि कंपटीशन को मेंटेन करने का काम करता है। इंडिया करंट अफेयर को ज्वाइन किया कि नहीं किया है पहले ये बताओ मेरे को जल्दी से। इंडिया करंट अफेयर आप यूट्यूब पे डालोगे तो एक नया चैनल मिलेगा, बहुत ही बढ़िया चैनल है, मजा आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना और वहां पर डेली का वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ करंट अफेयर की। अभी कल परसों जो है मैंने डाला था पूरी जर्नी जो है वास्को डी गामा की, कैसे जो है वो आया हमारे इंडिया में, वो कवर करी थी बहुत बढ़िया एनिमेशन के साथ में, देखिएगा मजा आएगा आपको, ठीक है। डेली उसमें वीडियो करेंगे हम लोग और भी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आएंगे, लेकिन पहले सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो दिल्ली के अंदर दोस्तों आपका CCI का हेडक्वार्टर है, ठीक है गाइस। आपने सोचा होगा एकदम से बीच में कहां से आ गया है इंडिया करंट अफेयर, ठीक है। चलिए, तो CCI ने दोस्तों यहाँ पे जो है, और जापान फेयर ट्रेड कमीशन, ओके गाइस, तो यहाँ पे दोनों के बीच में MOU जो है यहाँ पे उसका अप्रूवल है जो कि मिल गया है।
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें 2003 में फॉर्मेशन हुआ, दिल्ली में हेडक्वार्टर है और अशोक गुप्ता जी है जो कि अभी इसके हेड बने हुए हैं। स्पर्श वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम को कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पर्श के बारे में आपको बताना है। स्पर्श जो दोस्तों लॉन्च किया गया है आप यहां पे देख सकते हैं क्या आंसर हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा इसको लॉन्च है जो कि किया गया है। ठीक है, डिफेंस पेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली चले जाए उसके लिए इसको बनाया गया, डायरेक्टली बैंक अकाउंट के साथ में जो है इसको लिंक है जो कि किया गया है। ठीक है गाइस, डिफेंस के जो पेंशनर है उनके लिए काफी बेनिफिशियल है ये। वित्त मंत्रालय ने डैश को 9,871 करोड़ रुपए से अधिक के पोस्ट डिवाल्यूएशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की चौथे मासिक किस्त है जो कि जारी करी है। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट जो कि कई सारे राज्यों को देखने को मिला था तो 9,000 करोड़ रुपए दिए हैं और ये 17 राज्यों को दोस्तों पैसा है जो कि दिया है। आपको मालूम है कि अभी राज्यों के भी हालात जो है वो बहुत ही खराब है और सेंटर से जो है फाइनेंस कमीशन के माध्यम से पैसा लेना था लेकिन वो पूरा नहीं मिल पाया था तो इसीलिए पैसा जो है वो दिया गया है। भारत ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर किस देश के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? एमओयू दोस्तों हम लोग जो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के रिफॉर्म को लेकर कर रहे हैं। तुरंत तुरंत बताओ आंसर, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका गैम्बिया के साथ में दोस्तों ये एमओयू है जो कि साइन किया गया है। गैम्बिया की बात करें, अदामा यहाँ पे प्रेसिडेंट है, बैंजुल यहाँ पे करेंसी है, कैपिटल है और दलासी दोस्तों यहाँ पे करेंसी देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, बायलैटरल कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में किया गया है। ठीक है, ये लेक विक्टोरिया है बहुत ही फेमस और गैम्बिया आपके पड़ेगा एकदम वेस्ट अफ्रीका वाले एरिया में। ठीक है, चलिए इंग्लिश यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है और स्मॉलेस्ट कंट्री है जो कि अफ्रीका में माना जाता है ना, और रेसलिंग यहाँ का बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स है। किस राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 2 लाख साल में 9 लाख घर बनाने का फैसला लिया है? 9 लाख घर है दोस्तों जो कि बनाने के लिए बोले हैं, कितने 2 सालों में, लगता है कि उस राज्य के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं 2 साल बाद में इसीलिए वादा किया गया है। और कर्नाटका आपका बिल्कुल सही जवाब, मुझे नहीं पता कर्नाटका में कब इलेक्शन होने वाले हैं लेकिन जो अनाउंसमेंट हुआ है 9 लाख घर 2 साल के अंदर, तो ऐसे देख के तो ये लगता है कि यहाँ पे इलेक्शन का खटका है जो कि होने वाला है, तो इसीलिए दोस्तों अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया है, येदुरप्पा गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है। और थावरचंद गहलोत जी अभी गवर्नर बन चुके हैं, येदुरप्पा जी सीएम है, बेंगलुरु कैपिटल है आप सभी को मालूम है, महाराष्ट्र ऊपर बाजू में आंध्रा, उसके बाद केरला, तमिलनाडु, गोवा, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। और 6 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन, 75% लिटरेसी रेट है, 973 सेक्स रेशियो, 225 विधानसभा, 28 लोकसभा, 12 राज्यसभा की सीटें हैं। विरूपक्ष और विटाला टेम्पल यहाँ पे है, गोमतेश्वर टेम्पल बहुत फेमस है। लेक के अंदर बात करें तो लालबाग लेक ठीक है, बाकी तो कुछ खास यहाँ पे नहीं है पेपर में जो आता है। और डैम की बात करें तो डैम महत्वपूर्ण है, कृष्णा राजा सागर डैम, तुंगभद्रा और मलप्रभा है ना, हेमावती डैम हो गया, अलमैटी डैम हो गया, कौन से रिवर के ऊपर, ये भी महत्वपूर्ण है। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है ही। थर्मल के अंदर दोस्तों उद्यूपी पावर प्लांट है, बांदीपुर नेशनल पार्क, बंदरगट्टा, कुदुरमुख, नागरहोल, अंशी, सारे के सारे महत्वपूर्ण है। ठीक है, पावगोड़ा सोलर पार्क महत्वपूर्ण है, काफ़ी बड़ा है। कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट और नहीं है। किस राज्य ने पहली बार राज्य में मच्छर जनित जीका वायरस संक्रमण की उपस्थिति की पुष्टि जो कि करी है? जीका वायरस के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जीका वायरस के बारे में बात करूं तो केरला के अंदर दोस्तों जीका वायरस है जो कि अभी देखने को मिला है, डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं और अभी बहुत सारे ब्लैक फंगस और बहुत सारे व्हाइट फंगस, येलो फंगस, बहुत सारे देखने के बाद में जीका वायरस है जो कि अभी यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, आप सभी को मालूम है, 24 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वुमेन है उसको यहाँ पे देखने को मिला है। आरिफ मोहम्मद यहाँ पे अभी गवर्नर है, पिनाराई विजयानंद चीफ मिनिस्टर है, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं एक तरफ कर्नाटका हो गया, एक तरफ तमिलनाडु हो गया, ये आपका केरला है। ओके, 1 नवंबर 1956 को फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में बात करें 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई, 94% लिटरेसी रेट है, 1084 सेक्स रेशियो, 141 विधानसभा, 20 लोकसभा, 9 राज्यसभा की सीटें,
14 डिस्ट्रिक्ट है, केरला हाईकोर्ट है। यहाँ पे पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अमीर टेम्पल है। यहाँ पे मशीनें भी टूट गई गोल्ड को मेजर करते करते, है ना। इतना गोल्ड विदेश को मिल जाए तो मतलब वारे न्यारे हो जाए, मतलब, है ना। चलिए, लेकिन वो ये मंदिरों में पड़ा हुआ है, बेचारा गल रहा है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं डैम की। जहाँ पे मजबूत फैसले लेने की बात है वो ये जगह है। यहाँ पे मजबूत फैसले लेने की जरूरत है, मतलब कि पुराने जो इतने राजा महाराजाओं के सोने पड़े हैं वो क्या काम आएंगे मंदिरों के, जनता के, उसको क्या करना चाहिए, देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काम में लेना चाहिए कंट्री को। तो यहाँ पे फैसले लेना जरूरी है मजबूत, है ना। चलिए ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम भी है, इसके अलावा कोची पोर्ट यहाँ पे है ही। लेक की बात करें तो अस्थामुदी लेक महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी तो खैर कुछ खास नहीं है। वेम्बनाथ लेक इंपॉर्टेंट है, है ना। नेशनल पार्क में एर्नाकुलम इंपॉर्टेंट है, पेरियार इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली हो गया, है ना, पंबादम हो गया, ये सारे महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑल राइट, आगे बात करते हैं। किस राज्य मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र में गाय संरक्षण विधेयक को पेश करने को मंजूरी दी है? गाय को लेकर काउ प्रोटेक्शन बिल है जो कि रिसेंटली बजट सेशन में आने वाला है, और ये दोस्तों आसाम के अंदर है जो कि लाया जा रहा है, ठीक है गाइज। तो आसाम के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल, गाय प्रोटेक्शन, इनके ऊपर काफी डिस्कशन हो रहा है। तो हेमंत बिस्वा जी नया सीएम है जो कि उनके द्वारा अभी रिसेंटली बने हैं, ठीक है। तो ये देखिए पूरा आसाम है, उत्तर अरुणाचल, भूटान, यहाँ पे मेघालय, उसके बाद में नागालैंड, मणिपुर है, ओके, त्रिपुरा, ये सब। इसके अलावा अगर आप देखोगे 3 करोड़ पॉपुलेशन है, 72% लिटरेसी रेट, 958 सेक्स रेशो, 126 विधानसभा, 14 लोकसभा, 7 राज्यसभा की सीटें हैं, और कामाख्या टेम्पल बहुत ही फेमस है, हैफलोंग लेक बहुत फेमस है यहाँ पे, और सुबानसिरी लेक, ये तो सारे रिवर्स है, बीहू डांस, भोरतल, झूमर, दिब्रू लेक, दिब्रू नेशनल पार्क, काजरंगा, मानस और नामेरी, ओरैन, ये सारे नेशनल पार्क आपके महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? मध्य प्रदेश के दोस्तों गवर्नर कौन बने हैं? आपके मंगू भाई है दोस्तों जो कि बने हैं, ठीक है। इनको जो चीफ जस्टिस है हाईकोर्ट के, उनके द्वारा शपथ है जो कि दिलाई गई है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट और रिजाइन दोनों जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। शिवराज जी यहाँ पे सीएम है, भोपाल कैपिटल है, ठीक है। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात से दोस्तों ये कनेक्टेड है। और विधानसभा की बात करें 231 विधानसभा की सीटें, लोकसभा की 11 है और लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे विध्यांचल थर्मल पावर प्लांट, सतपुरा, संजय गांधी और अमरकंटक। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो खैर बहुत ही सारी है, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये सब महत्वपूर्ण है। गांधी सागर डैम, तवा रिजर्वायर, इंदिरा सागर डैम महत्वपूर्ण है, होलकर स्टेडियम इंपॉर्टेंट है, खजुराहो डांस फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, मटकी डांस, फूलपत्ती डांस, गिरदा डांस, है ना, ये सारे पेपर के अंदर आते हैं फोक डांसेस। लेक के अंदर भोज लेक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। डैश और हिमालय वन अनुसंधान संस्था के नए क्षेत्र में वन आवरण विकास के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। किसने दोस्तों हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में एमओयू साइन किया है फॉरेस्ट कवर को बढ़ावा देने को लेकर? ऐसा किसके द्वारा? लद्दाख के द्वारा दोस्तों किया गया। आपको मालूम है लद्दाख में ऐसी हालत है कि वहां का जो घास है ना वो भी रशिया से मंगाई जाती है, सर्बिया से। हमारे यहाँ पे दोस्तों वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती, हमारी वाली ऑक्सीजन की बहुत कमी है, इसलिए पेड़ लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में एमओयू है जो कि किया गया है, ठीक है। वर्ष केंद्र ने वर्ष 21-22 में जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटक को देश अनुदान आवंटित किया है। जल जीवन मिशन, अगर आप कर्नाटक का पेपर दे रहे हैं तो ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, 5000 करोड़ रुपए जो कि कर्नाटक को दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थाओं के निदेशकों के साथ बातचीत करी है? ओके, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के जो डायरेक्टर है उनके साथ में यहाँ पे बात करी। किसने? मोदी जी के अलावा दोस्तों कौन करेगा? तो मोदी जी ने यहाँ पे डिस्कशन है जो कि किया है, ठीक है गाइस। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया। ओके, कई सारे देखो IIT मद्रास, बॉम्बे, बेंगलुरु, कानपुर, इन सभी के डायरेक्टर्स ने जो है वो ज्वाइन किया है। इनको भी कैसे लगता होगा, इतने बड़े बड़े प्रेस्टीजियस डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट के, ठीक। तो इनका भी जो है काफी डिस्कशन है जो कि मोदी जी के साथ में हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो BHU 10 या फिर BHU 10 है जो कि आप रेफरल कोड लगा सकते हैं।
और आप SSC बैंकिंग, UPSC, PCS, डिफेंस, किसी भी एग्जाम की तैयारी है जो कि कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे PDF वीडियो सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद में आप अपना गोल सेलेक्ट करिए, SSC है, UPSC है, IIT है, GATE है, ओके, कुछ भी उसमें से आप 30+ एग्जाम में से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, 12 या 24 महीने पे जाके BHU 10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। NIIT ने डिजिटल बैंकिंग अकेडमी शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ में भागीदारी करी है? NIIT को लेकर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वापस से मिलेंगे 8 बजे वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।